Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture number 15 of aldehydes, ketones and decarboxylic acids. So till now in the previous lectures we had already discussed about aldehydes and ketones completely, like all the topics, and we were on the carboxylic acids. Now we had discussed the preparation of carboxylic acids using various techniques. And after that, we started off with the reactions which are involving the carboxylic acids. In those chemical reactions, there were many reactions, so we have divided or we have categorized those into four categories. Okay, so first one was the reactions involving the cleavage of the OH, jo COH hota hai, matlab, let me write it down. So the first category was when you have the cleavage of this OH bond. ठीक है, यहाँ पे cleavage हो रहा है, and there we basically discussed about the reactions with the metals and the alkalis, and we did a rigorous discussion on the acidity of the carboxylic acids. कि जो trends होते हैं when you attach different kinds of substituents to the carboxylic acids, वो trends कैसे होंगे, be it talking about the aliphatic acids or the aromatic ones as well. ठीक है, तो in even if different substituents or electron withdrawing and electron donating groups are attached to the phenyl ring, then what will be the trend. ठीक है, तो we discuss several factors on which the acidity of the carboxylic acid depends. After that we move on to the second category in which you have the cleavage of this bond. So basically OH group, the hydroxyl group, that is being replaced by several other things to get to the new products. ठीक है, तो इन दिस द फर्स्ट कैटेगरी जो रिएक्शन होता था वो मेटल्स वगैरह के साथ में था, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एसिडिटी. ठीक है, इट इज जस्ट अ समरी. इफ यू वॉन्ट टू यू नो नो अबाउट दीज टॉपिक्स इन डिटेल, देन यू मे विजिट द प्रीवियस लेक्चर्स. एंड इन द सेकेंड कैटेगरी बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वी हैव डिस्कस कि देर आर फोर मेजर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. दे आर एनहाइड्राइड, द ईस्टर्स, द अकाई क्लोराइड्स एंड द अमाइड्स. ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन कैसे होगा यूजिंग एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ. ठीक है, तो कौन कौन से रिएजेंट्स हमें यूज करने पड़ेंगे, वी डिस्कस्ड इन डिटेल. नाउ इन द थर्ड कैटेगरी देर आर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग सी ओ एच ग्रुप एज अ होल. ठीक है, इसमें कोई एज अ यहाँ पे सी ओ एच ग्रुप में कोई क्लीवेज नहीं हो रहा है, दे आर इन्वॉल्व इज सिंपली द ग्रुप इज चेंजिंग. ठीक है, तो एज अ होल जो रिएक्शंस हैं इसमें दो टाइप के हैं. इट इज रिडक्शन रिएक्शन इन विच वी वर यूजिंग एल आई एल एच फोर और डाइबोरेन. वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि एन ए बी एच फोर डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड. So you must always remember कि if NaBH4 is being used with the carboxylic acid group, ठीक है, तो हो सकता है उस कंपाउंड में carboxylic acid group भी हो और कोई और फंक्शनल ग्रुप भी हो. ठीक है, मान लो एल्डिहाइड है. ठीक है, दोनों ग्रुप अगर हैं तो NaBH4 का अगर रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो COH ग्रुप विल बी अनऑल्टर्ड. ठीक है, वो रिड्यूस नहीं होगा. हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप को वो रिएक्ट करता है NaBH4, सो दैट इज वाई एल्डिहाइड ग्रुप विल बी रिड्यूस्ड टू द एल्कोहल ग्रुप. ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि NaBH4 विल नॉट ऑल्टर द COH ग्रुप. ठीक है, और इसमें जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. ठीक है, वी हैव नॉट येट डिस्कस्ड दिस रिएक्शन इन डिटेल, सो आई विल नाउ स्टार्ट विद दिस कैटेगरी फर्स्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट कैटेगरी विच इज बेसिकली अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट. ठीक है, तो पहले फर्स्ट कंप्लीट दिस पोर्शन. तो बेसिकली वी आर डीलिंग विद द थर्ड कैटेगरी रिएक्शंस विद सी ओ एच ग्रुप एज अ होल. ठीक है, इसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रिडक्शन पार्ट. नाउ द सेकेंड सब कैटेगरी इज डी कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, तो वेन द सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स वी आर हीटेड विद सोडा लाइम. ठीक है, तो यहाँ पे भी देर विल बी टू पोर्शन ऑफ दिस. पहले में क्या हो रहा है, यू आर यूजिंग सोडा लाइम एज अ रिएजेंट. ठीक है, सो लेट मी टेल यू फर्स्ट व्हाट इज सोडा लाइम. ठीक है, इट इज NaOH प्लस CaO इन
इज टू वन रेशियो, मतलब ये 3 रहेगा इज टू 1 के रेशियो में, ठीक है। सो दिस मिक्सचर इज नोन एज सोडा लाइम एज अ होल। तो व्हेन सोडा लाइम इज रिएक्टेड विद द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दे फॉर्म द हाइड्रोकार्बन विद द रिलीज ऑफ सी ओ टू। तो बेसिकली ये जो तरीका है, आप इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, ठीक है। तो आई विल फर्स्ट राइट डाउन द रिएक्शन, और उसको डी कार्बोक्सिलेशन बोलते क्यों है, डी मतलब रिमूवल एंड कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे क्योंकि सी ओ टू रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो दैट इज वाई इट इज अ रिमूवल ऑफ सी ओ टू एक्चुअली, तो दैट इज वाई वी कॉल इट अ डी कार्बोक्सिलेशन। द जनरल रिएक्शन वुड बी आर सी ओ ओ एन ए सोडा लाइम एंड हीट। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल हाइड्रोकार्बन बनेगा आर एच, मतलब सी ओ सी ओ ओ एन ए विड बी रिप्लेस्ड बाई एच एंड सी ओ टू वुड बी रिलीज। सो एन ए के साथ रिएक्ट करके दैट वुड बी एन ई टू सी ओ थ्री। नाउ हियर यू शुड पे अटेंशन टू द फैक्ट दैट जो हमारा हाइड्रोकार्बन बन रहा है दैट हैज वन कार्बन एटम लेस देन द कार्बन एटम देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द एसिड, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो सी ओ ग्रुप है ये एज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर जाके यहाँ पे एन ई टू सी ओ थ्री बना रहे हैं, ठीक है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस कि जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज हैविंग लेस यू नो वन लेस कार्बन एटम एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। नाउ देयर इज अनदर वे फॉर डी कार्बोक्सिलेशन। तो एक तो रिएजेंट हो गया आपका सोडा लाइम जिससे आप डी कार्बोक्सिलेशन करवा सकते हैं। ना दूसरा तरीका इज कि व्हेन द अल्कली मेटल सॉल्ट्स यू नो दे आर यूज्ड अल्कली मेटल सॉल्ट्स ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वा सोल्यूशन दे फॉर्म द हाइड्रोकार्बन एंड दीज हाइड्रोकार्बन आर हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द अल्काइल ग्रुप ऑफ द एसिड, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टेक्निक है हम उसे बोलते हैं यू नो दैट्स अ स्पेशल नेम गिवन टू दिस रिएक्शन, सॉरी दैट इज कोलबीज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। एज अ नेम सेज इट इज अ इलेक्ट्रोलिसिस थिंग। तो इसमें जो रिएक्शन होता है जनरल दैट इज आर सी ओ ओ एन ए प्लस वाटर जो लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो सिंपल सॉल्ट की भी हो सकती है। बिकॉज वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन मतलब उसका सोल्यूशन बना दिया है पानी में, ठीक है। तो वो वाटर का भी रोल होता है एंड दैट इज वाई वी आर यूजिंग द एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। वेन यू डू द इलेक्ट्रोलिसिस जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी आर आर प्लस टू सी ओ टू, सी ओ टू इज बींग रिलीज, दैट इज वाई हम उसे डी कार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन है और सी ओ टू, दीज आर यू नो फॉर्म्ड एट द एनोड, दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एट द कैथोड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है, उसमें आप यू नो सम प्रोडक्ट विल बी एट द एनोड और सम प्रोडक्ट विल बी एट द कैथोड, ठीक है। तो इसमें जो हमारा हाइड्रोकार्बन है दैट इज आर आर, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज टू नोट दैट दिस आर आर जो हमारा हाइड्रोकार्बन है प्रोडक्ट दैट इज हैविंग द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर देयर इन द मिथाइल ग्रुप इन द एल्काइल ग्रुप ऑफ द एसिड। इसमें भी आप सी ओ टू, तो देखो यहाँ से सी ओ टू तो निकल गया, ठीक है, टू सी ओ टू है क्योंकि अब ये वाला आर इज लेफ्ट, ठीक है। तो इससे यू हैव टू आर, सो दैट इज वाई दिस इज द हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड। तो आपको प्रोडक्ट में क्या चाहिए, ठीक है। इफ़ यू वांट सिंपली आर एच तो आप पहला वाला तरीका यूज करोगे, इफ यू वांट आर आर मतलब इफ यू आर वांटिंग हाइड्रोकार्बन ऑफ डबल द साइज देन यू विल यूज अ सेकेंड टेक्निक, ठीक है। तो इट बेसिकली डिपेंड्स आप यू नो द वे द टेक्निक दैट यू आर यूजिंग, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द डिजायर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द डी कार्बोक्सिलेशन थिंग। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट कैटेगरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द लास्ट कैटेगरी इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। मतलब अभी तक हम जो डील कर रहे थे वो सिर्फ सी ओ एच ग्रुप से डील कर रहे थे, ठीक है। मतलब जो भी चेंजेस हो रहे थे वो सी ओ एच ग्रुप में हो रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, सी ओ एच को हटा के जो उसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है उसमें अगर हमें कोई
मतलब सब्सटीट्यूशन करवाना है, कोई सब्सिट्यूएंट अटैच करवाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो इट इज डेल्ट इन दिस कैटेगरी। इसमें भी यू नो यू हैव टू अदर सब कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज द हैलोजिनेशन, जिसमें कि आप उसके हैलोजन सॉरी हाइड्रोकार्बन पार्ट पे हैलोजन ऐड करवाते हो, अटैच करवाते हो, ठीक है? सो दैट इज नोन एज हैलोजिनेशन। नाउ द टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, द रिएक्शन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यू नो दिस हैविंग अ लॉन्ग नेम, इट बेसिकली यू नो इट इज नेम्ड ऑन द पीपल हु हैव ऑन द साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड दिस रिएक्शन, हेल वॉलहर्ड जेलिंसकी रिएक्शन, ठीक है? दिस इज द स्पेशल नेम विच इज गिवन टू दिस। नाउ इन दिस रिएक्शन वॉट हैपन्स इज डी कार्बोक्सिलिक एसिड विच आर हैविंग वन एटलीस्ट वन एल्फा हाइड्रोजन, मतलब एक एल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, दे आर हैलोजिनेटेड एट द एल्फा पोजिशन। वेन दे आर ट्रीटेड विद द क्लोरीन और द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो मतलब इफ दे आर हैविंग द एल्फा हाइड्रोजन, अगर एक भी एल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होके जिस भी यू नो आप जिस भी हाइड्रोजन से ट्रीट कर रहे हो वो हैलोजन वहां पे आके अटैच हो जाता है, ठीक है? तो बेसिकली दैट हैलोजन इज रिप्लेसिंग द अल्फा हाइड्रोजन एंड दैट इज व्हाई द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मैंडेटरी, ठीक है? तो वो अल्फा हाइड्रोजन पे ही आके लगता है, दैट इज द स्पेसिफिक केस। तो द जनरल रिएक्शन वुड बी लाइक आई एम राइटिंग इट लाइक आर सी एच टू एंड नॉट एज अ कंप्लीट आर, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, यू नो द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन वुड बी एक्स टू, एक्स टू इज हैलोजन, ठीक है? एक्स मतलब हैलोजन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस रेड पी, द सेकेंड स्टेप इज द हाइड्रोलिसिस, ठीक है? तो द प्रोडक्ट वुड बी आर, ये जो हमारा अल्फा कार्बन था इससे एक हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा ना, दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय दिस हैलोजन एटम एंड द रेस्ट ऑफ द एसिड विल रिमेन एज इट इज। मतलब बाकी पूरे कंपाउंड में कुछ चेंज नहीं होगा, ओनली द अल्फा हाइड्रोजन इज गेटिंग रिप्लेस्ड विद द हैलोजन एटम। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हैलोजन होगा दैट कैन ओनली बी आइदर सी एल और बी आर, ठीक है? ये रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल फॉर दीज टू हैलोजन एंड द प्रोडक्ट इज नोन एज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? द सेकेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, ये तो हो गया हैलोजन ऐड करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है? अब नो यू कैन इफ यू वांट टू ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन द केस ऑफ रिंग, तो द सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इट सिंपली एक्ट्स एज अ डीएक्टिवेटिंग एंड अ मेटाडायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है? तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा ना दैट विल डीएक्टिवेट द रिंग। डीएक्टिवेट मतलब एक्टिवेटिंग द रिंग मतलब होता है कि यू नो द ग्रुप इज प्रोवाइडिंग और इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द रिंग, ठीक है? बट वी आर सेइंग कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है दैट इज डीएक्टिवेटिंग, इट सिंपली मीन्स कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दैट इज यू नो द विदड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग, ठीक है? तो वो रिंग से अपनी अपनी तरफ खींच रहा है एंड दैट इज वाई दैट इज नोन एज अ डीएक्टिवेटिंग। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम राइटिंग इट डाउन। जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इज डीएक्टिवेटिंग, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है। तो मतलब वो अपनी तरफ तो विदड्रॉ कर रहा है लेकिन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। और जब भी रिंग डीएक्टिवेट होती है हमेशा जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो मेटा प्लेस पे होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लो ये हमारा सी ओ एच है, ये हमारा रिंग है, ठीक है? अभी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो यू नो व्हेन यू विल ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, अगर आप इसको प्रॉपरली रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में यू नो ड्रॉ करेंगे तो यू विल सी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस पोजिशन। तो मतलब बेसिकली जब विदड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव हो रहा है और यहाँ पे भी,
ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस में ही वो इफेक्ट दिखता है, तो बाकी की बची हुई मेटा पोजिशन पे क्या होगा? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। ठीक है, तो जब आप भले एज अ होल रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, बट व्हेन यू कंपेयर द पोजिशंस, द ऑर्थो मेटा एंड द पैरा पोजिशंस, देन यू विल ऑब्जर्व कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज हायर एट द मेटा पोजिशन। ठीक है, तो क्योंकि मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से जो भी ग्रुप आएगा वो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा दैट विल अटैक ऑन दिस मेटा पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ई प्लस। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एन यू माइनस। ठीक है, तो जो ई प्लस होगा उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, राइट? इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा अटैक करने तो वो नेगेटिव चार्ज को ढूंढेगा रिंग में, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा कहाँ पे है? मेटा पोजिशन पे। तो इस वजह से इट विल अटैक द मेटा पोजिशन। नाउ आई एम राइटिंग टू द मोस्ट कॉमन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दिस इज द रिंग। तो आपको यू नो व्हेन एवर यू नीड टू सब्स्टिट्यूट एनओ टू इन टू द रिंग, यू ऑलवेज यूज द रिएजेंट्स एज कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर। ठीक है, तो अगर कभी भी एनओ टू आपको इंट्रोड्यूस करवाना है रिंग में, तो यही दोनों रिएजेंट्स यू नीड टू यूज टुगेदर। और ये एनओ टू ग्रुप आएगा कहाँ पे, ये डिपेंड करता है कि उस रिंग का नेचर कैसा है। जैसे इस केस में सी ओ एच है, अटैच है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो डीएक्टिवेट कर रहा है, तो इस डीएक्टिवेशन के केस में हमेशा मेटा पे एनओ टू ग्रुप लगेगा। ठीक है, अगर कोई और ग्रुप होता जो कि एक्टिवेट कर रहा होता तो वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे एनओ टू ग्रुप लगता। सिमिलरली यू नो अगर आपको रिंग में हैलोजिनेशन करवाना है तो यू यूज बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ एफ ई बी आर थ्री, ये इट इज यूज एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्योंकि सी ओ एच ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसी वजह से मेटा पोजिशन पे ही हैलोजन भी लगेगा। ठीक है, तो यू नो वट एवर ग्रुप यू नीड टू यू नो एड ओवर टू द रिंग दैट विल गेट अटैच्ड टू द मेटा पोजिशन इफ द सी ओ एच ग्रुप इज ऑलरेडी अटैच्ड टू द रिंग। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज डू नॉट अंडरगो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक अल्काइलेशन होता है जिसमें अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा होता है, और एक होता है अकाइलेशन जिसमें अकाइल ग्रुप अटैच हो रहा होता है। अकाइल मतलब सी ओ सी एल काइंड ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाइलेशन। तो बोथ ऑफ दीज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दे आर नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये रिएक्शन जो होते हैं वो ए एल सी एल थ्री के प्रेजेंस में होते हैं। ए एल सी एल थ्री इज यूज एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये इतने ज़्यादा एसिडिक होते हैं ना सी ओ एच ग्रुप कि वो ये जो ए एल सी एल थ्री होता है इट सिंपली गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, तो वो सिंपली वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव नहीं कर पाता, एंड दैट इज वाई वो रिएक्शन प्रॉपरली नहीं होता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर रिएक्शन करवाया जा रहा है यू नो विद ए एल सी इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री, तो नो रिएक्शन विल हैपन, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, दिस एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो फ्रीडल क्राफ्ट पॉसिबल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, इट दिस वॉज द लास्ट कैटेगरी दैट वी डिस्कस्ड। नाउ वी हैव ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ द रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इन विच द कार्बोक्सिलिक एसिड दे कैन बी अ पार्ट ऑफ। Now, you know, to end the topic, I would like to now discuss some of the uses, the common uses of carboxylic, different types of carboxylic acids. And after that, that will be a brief discussion only. And after that, we will do some questions which are related to these carboxylic acid. ठीक है, so let's move on to the uses of carboxylic acids. ठीक है, तो जो पहला is that is methanoic acid. Methanoic acid is H with one carbon. सो मिथेनोइक एसिड इज यूज इन द रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसिड इज एसिटिक एसिड, दैट इज सी एच थ्री सी ओ एच और इथेनोइक एसिड, दैट इज यूज एज अ सॉल्वेंट, कॉमा एंड विनेगर इन द फूड इंडस्ट्री। देन अनदर इंपॉर्टेंट एसिड इज हेक्सेन डायोइक एसिड, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन वी वर डूइंग सम ऑफ द रिएक्शन। तो हियर द थिंग इज कि ऐसा होता है स्ट्रक्चर, एक तरफ सी ओ एच है
देर आर सिक्स कार्बन एटम्स, मतलब ये एक स्ट्रेट चेन होती है सिक्स कार्बन एटम्स की, एंड द सी यू बेस ग्रुप इज अटैच एट द आइदर पोजिशन. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज सिक्स और बीच में चार एटम्स होते हैं कार्बन के. सो दिस इज हेक्सेन डायोइक एसिड एंड दिस एसिड दिस इज ऑल्सो नोन एज एडिपिक एसिड. इट इज यूज एज अ मोनोमर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर दैट इज नोन एज नाइलॉन 6,6. ठीक है, तो ये जो एसिड होता है ये मोनोमर होता है फॉर प्रिपेयरिंग नाइलॉन 6,6. ठीक है, दिस इज अ पॉलीमर, दिस इज अ वेरी नोन वेरी यूजफुल पॉलीमर. नाउ ईस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड यूज इन परफ्यूमरी. ईस्टर्स जो होते हैं जनरली बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जो ओडर होता है काफ़ी अच्छा होता है, बहुत प्लेजेंट ओडर के होते हैं, एंड दैट इज़ वाई जन वो यू नो परफ्यूम्स वगैरह में यूज़ होते हैं. सोडियम बेंजोएट इज यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. ये आप जो काफ़ी डेली आइटम्स यूज़ करते हो, मतलब डेली फूड आइटम्स जो होते हैं थोड़े बहुत, अगर आप उसमें कभी देखोगे तो यू नो इन द इंग्रेडिएंट सेक्शन यू विल फाइंड सोडियम बेंजोएट यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. एंड द हायर फैटी एसिड्स जो होते हैं, हायर मतलब यू गेट द वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो बहुत बड़े बड़े एसिड्स होते हैं, दे आर यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड द डिटर्जेंट्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूजेस. नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड टूडे. ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट आई नीड टू डिस्कस इज दैट आई विल गिव यू अ पेयर ऑफ एसिड एंड यू नीड टू टेल मी दैट विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. ठीक है, सो द फर्स्ट पेयर दैट आई विल प्रोवाइड इज CH3COOH एंड यू हैव CH2F COOH. ठीक है, दिस फ्लोरीन एटम इज अटैच टू दिस सेकेंड कार्बन द अल्फा कार्बन. ठीक है, नाउ टुडे ओनली वी डिस्कस्ड कि जो हमारा एसिडिटी होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, मतलब इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द PKa वैल्यूज, बट वी कैन ऑल्सो टेल अबाउट द एसिडिटी जस्ट सिंपली बाय सीइंग द कंपाउंड. ठीक है, तो जैसे इस केस में यू कैन सी कि यहाँ पे फ्लोरीन एटम लगा हुआ है. सो एज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन एटम, सो दैट इज वाई इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ, और इसी वजह से जो हमारा कार्बोक्सिल कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा एंड हाइड्रोजन और द प्रोटॉन विल रिमूव इजिली. तो इसका मतलब दिस वन इज द मोर और दिस वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड. ठीक है, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही हो. ठीक है, आई यू नो आई स्पोक अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट दिस एसिडिटी कि एसिडिटी विल इंक्रीज, द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज इफ सम ऑफ द सोर्सेज इफ सम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड विच आर डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द कार्बोक्सिल कार्बन. ठीक है, तो अगर कार्बोक्सिल कार्बन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो प्रोटॉन आसानी से निकल जाएगा एंड दैट एसिड विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड. और टॉकिंग अबाउट वाइस वर्सा थिंग, इफ सम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच, सपोज इफ सम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज देयर देन द एसिड विल बी वीकर. ठीक है, तो द नेक्स्ट वन इज द सेम कंपाउंड जो यहाँ पे था ये यहाँ पे, एंड नाउ व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विथ FnCl, द सेम थिंग ओवर हियर ऑल्सो. यहाँ पे एक जगह F है और एक जगह Cl है. ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, मतलब ज्यादा मतलब इट विल हैव द मोर पावर द मोर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द केस ऑफ फ्लोरीन विल बी लेस एंड इट विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड. सिमिलरली वन इज दिस. अब इन दोनों में आप कहोगे कि यू नो दिस फ्लोरीन एटम इज अटैच्ड इन बोथ ऑफ दीज कंपाउंड, आप कंपेयर कैसे करेंगे, बट यू विल नोटिस हियर दैट द लोकेशन ऑफ फ्लोरीन इज डिफरेंट. ठीक है, इन द फर्स्ट कंपाउंड 1, 2, 3, 4 द फ्लोरीन इज अटैच टू द फोर्थ कार्बन, दिस कार्बन है ना, एंड इन दिस कंपाउंड द फ्लोरीन इज अटैच टू द थर्ड कार्बन, ये वाला कार्बन. ठीक है, तो अब इफ द फ्लोरीन इज अटैच क्लोजर टू द कार्बोक्सिल कार्बन तो वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो वो ज्यादा पावरफुल बिहेव करेगा, इट विल अट्रैक्ट इट विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर. इस वजह से
जो क्लोजर वाला एफ है दैट विल बी मोर एसिडिक। देखिए ये पास लगाए, ये दूर लगाए, ये भी काम वही करेगा बट उसका पावर उतना ज्यादा नहीं होगा। इन लास्ट यू हैव वन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो सिमिलरली ओवर हियर, यहाँ पे 3 F लगे हुए हैं, 3 F यू नो 3 फ्लोरीन एटम्स दे आर हाईली यू नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। तो व्हेन वी डिस्कस्ड इन द लास्ट यू नो स्टेटमेंट आई वाज टॉकिंग कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द फिनाइल ग्रुप, फिनाइल रिंग, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो इट विल इंक्रीज द एसिडिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिटी। तो हियर लाइक इफ आई वॉन्ट टू समराइज वट एवर वी यू नो डिस्कस्ड, तो इसमें क्या है कि जो फैक्टर्स होते हैं जो एसिडिटी को इफेक्ट करते हैं वो क्या क्या है। द फर्स्ट वन इज द टाइप और द नेचर ऑफ द ग्रुप विच इज अटैच्ड। टाइप या नेचर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ठीक है। तो उस केस में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिटी बढ़ेगा हमेशा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिटी विल इंक्रीज। द सेकेंड फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट्स, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला विल हैव द मोर एसिडिटी। द थर्ड फैक्टर इज द लोकेशन ऑफ द ग्रुप विच इज अटैच्ड, मतलब द इफ द ग्रुप इज अटैच्ड क्लोजर टू द कार्बोक्सिल कार्बन दैट विल हैव मोर इफेक्ट, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर पास लगा है तो वो ज्यादा एसिड होगा, क्योंकि वो ग्रुप पे भी डिपेंड करता है ना। अगर एफ पास लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। सपोज हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड दैट इज अटैच्ड एट अ क्लोजर लोकेशन देन इट विल बी लेसर एसिडिक, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि इफ द लोकेशन ऑफ दैट ग्रुप, जो भी ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसकी लोकेशन क्लोजर है तो इट विल हैव मोर इफेक्ट या फिर मोर इम्पैक्ट ऑन द कार्बोक्सिल कार्बन। कम होगा एसिडिक या फिर ज्यादा होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ग्रुप विच इज अटैच्ड। ओके सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको कंपाउंड्स को यू नो यू नीड टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स। सो बेसिकली आई विल राइट डाउन सर्टेन स्टेटमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दो स्टेटमेंट्स यू विल नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द कंपाउंड्स विच आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो द क्वेश्चन सेज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑल्सो गिवेन C8H16O2, ठीक है। ये हमारे हमें गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। दिस वॉज हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड बी। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड इज बींग फॉर्म्ड, तो आप कहाँ पे जाओगे, यू विल गो टू द फॉर्मेशन या द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यू विल विजिट दो टेक्निक्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द हाइड्रोलिसिस, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो गिवेन कि वी आर गेटिंग अनदर प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस एंड दैट इज एन एल्कोहल विच बी नेम्ड एज सी, ठीक है। तो इसका मतलब आपने ए को हाइड्रोलाइज किया विद H2SO4 एंड यू आर गेटिंग टू प्रोडक्ट्स, वन इज एसिड एंड वन इज एल्कोहल, ठीक है। तो ये चीज यू नो वी हैड डिस्कस्ड इन यू नो डिटेल कि वी आर गेटिंग टू इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ, सो दैट मीन्स दिस कंपाउंड मस्ट बी एन ईस्टर, क्योंकि ईस्टर ही ऑन हाइड्रोलिसिस दो प्रोडक्ट देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। आप कोई और डेरिवेटिव देखोगे ना ऑन हाइड्रोलिसिस वो कभी भी एल्कोहल नहीं देगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो हमारा कंपाउंड ए होगा ना दैट विल बी एन ईस्टर। नाउ द स्टेट, इसका मतलब हमने ए को आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो ईस्टर है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि द ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद द क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस बी। तो मतलब क्या हुआ कि हमने ऑक्सीडेशन ऑफ सी, सी क्या है, अल्कोहल है, हमने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, ठीक है। तो एज यू नो कि जब क्रोमिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो जो भी अल्कोहल होता है उसी का करेस्पॉन्डिंग एसिड बन जाता है, मतलब देयर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। अगर 3 कार्बन एटम बी के होंगे तो 3 कार्बन एटम सी के भी होंगे, ठीक है।
सो दैट मीन्स बी एंड सी आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो इसका मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है दैट इज ए ईस्टर जो है इट इज हैविंग 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, और बी और सी दोनों के सेम है. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बी एंड सी इज 4. ठीक है, तो ये जो लॉजिक है ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा. ठीक है, ए से ही बी और सी बन रहे हैं. ठीक है, ओके, फर्स्ट लेट मी राइट डाउन द कंप्लीट थिंग. नाउ अनदर स्टेटमेंट इज गिवन, सी ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट वन ईन. मतलब डिहाइड्रेशन, सी हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो यू विल गेट एन एल्कीन. तो ये तो हमें पता था. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई क्या किया कि जो ए है वो ईस्टर है और हमने उसका हाइड्रोलिसिस करवाया. जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वी आर गेटिंग बी एंड एल्कोहल. ठीक है, फिर हमने ये भी कंक्लूड किया कि बोथ ऑफ बी एंड सी दे आर हैविंग 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, क्योंकि इसके पास 8 है और दोनों के पास बराबर होने चाहिए. सो दैट मीन्स 4 एंड 4 विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ द लास्ट स्टेटमेंट, सी ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट वन ई. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एल्कीन तो बन रहा है बट द लोकेशन ऑफ दैट डबल बॉन्ड इज ऑन द फर्स्ट कार्बन. ठीक है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है दैट मीन्स जो हमारा OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज ऑल्सो अटैच्ड ऑन द फर्स्ट कार्बन. ठीक है, तो बेसिकली ये जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज देयर टू टेल यू द लोकेशन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप. क्योंकि ब्यूटेनॉल होगा ये तो हमें भी पता है कि ब्यूटेनॉल के डिहाइड्रेशन से ही हमें ब्यूटीन मिलेगा, बट द लोकेशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड कि कहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं पे हमारा द हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा. सो दैट मीन्स पहले वाले कार्बन पे वी विल गेट द हाइड्रोक्सी ग्रुप. सो द फाइनल आइडेंटिफिकेशन हुआ वो क्या हुआ, हमारा सी है वो अल्कोहल है. वी विल हैव हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन द फर्स्ट पोजिशन बिकॉज वी आर गेटिंग ब्यूट वन ई. देन हमारा बी इज द एसिड, तो इट विल बी ब्यूटेनोइक एसिड. क्योंकि एसिड का कोई लोकेशन थोड़ी होता है, एसिड तो हमेशा एंड में होता है ना, द लास्ट ऑफ द चेन. लोकेशन कैन बी ऑफ एल्कोहल. नाउ ए इज द ईस्टर जो कि विच विल बी हैविंग 4 4 कार्बन एटम्स ऑन बोथ द साइड. तभी तो हाइड्रोलिसिस पे वो ब्रेक करेगा ना. बेसिकली व्हाट आई नीड टू, ईस्टर क्या होता है, एक तरफ आर है और एक तरफ आर प्राइम है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका C4 वाला ग्रुप रहेगा और यहाँ पे आपका C3 वाला ग्रुप रहेगा. सो आफ्टर हाइड्रोलिसिस दिस पोर्शन विल फॉर्म द एसिड एंड दिस पोर्शन विल फॉर्म द एल्कोहल. इस वजह से जो हमारा ईस्टर होगा ना दैट विल बी ब्यूटाइल ब्यूटेनोइट. ईस्टर्स का नेमिंग कैसा होता है, एल्काइल ओएट. तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटाइल ब्यूटेनोइट. तो बेसिकली वी हैड आइडेंटिफाइड व्हाट वर ए बी एंड सी इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सिमिलर क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड इन मेनी ऑफ द यू नो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल. क्योंकि काफी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं एंड यू नो यू विल हैव टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज. मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक से नॉलेज होना जरूरी नहीं है. ठीक है, ये आपकी ओवरऑल नॉलेज को टेस्ट करते हैं बिकॉज इसमें देखो ईस्टर भी इन्वॉल्व है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी इन्वॉल्व है और एल्कोहल भी इन्वॉल्व है. ठीक है, उसका डिहाइड्रेशन हो रहा है और एल्कीन बना रहे हैं. ठीक है, सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज यू नो इन्वॉल्व इन दीज क्वेश्चन. आपको हर एक इंफॉर्मेशन को यूज करके यू नीड टू क्लाइंब वन स्टेयर एंड देन मूव टिल द टॉप. तो नाउ वी विल मूव ऑन टू सम ऑफ द कन्वर्जन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली वी यू विल बी गिवन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट एंड यू नीड टू फाइंड आउट द पाथवे हाउ टू रीच टू दैट प्रोडक्ट. द फर्स्ट वन इज प्रोपोनोन टू प्रोपीन. ठीक है, तो प्रोपोनोन इज अ कीटोन, इट इज हैविंग 3 कार्बन एटम एज अ नेम सजेस्ट एंड प्रोपीन इज एन एल्कीन विच इज ऑल्सो हैविंग 3 कार्बन एटम्स. ठीक है, तो देखिए इन यू नो इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आई वुड लाइक टू यू नो एडवाइज एवरीबडी कि
यू शुड ऑलवेज फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा ना, यू विल बी एबल टू एनालाइज इट कि क्या नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स चेंज हो रहे हैं या फिर सेम है, क्योंकि जब कार्बन आइटम्स चेंज होते हैं ना तो देर आर स्पेसिफिक टेक्निक्स बिहाइंड दैट। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या क्या हैं, या फिर कौन कौन से ग्रुप्स रिमूव हो रहे हैं, कौन से ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं, क्या रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, सो यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली वंस द स्ट्रक्चर इज यू नो इन फ्रंट ऑफ यू। इस वजह से माई सजेशन इज यू शुड ऑलवेज फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो यू नो यू विल बी एबल टू यू नो गेट टू द पाथवे। तो यहाँ पे फर्स्ट इज प्रोपोनोन, तो आई एम ऑल्सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड वी हैव टू कन्वर्ट प्रोपोनोन टू प्रोपीन। ठीक है, तो आई विल राइट डाउन द स्ट्रक्चर ओवर हियर। नाउ दिस केटोन, द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर सेम। ठीक है, तो नाउ दिस केटोन इज कन्वर्टेड टू एल्किन एंड द प्रेपरेशन ऑफ एल्किन इज बेस्ट यूजिंग द एल्कोहल, क्योंकि यू नो जो एल्कोहल्स को आसानी से डिहाइड्रेट करवाया जा सकता है। यू नो द डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स इन विच द वाटर मॉलिक्यूल इज बीइंग रिमूव्ड। सो आफ्टर दिस डिहाइड्रेशन द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स इज यूजिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसका मतलब हमें एल्कोहल बनाना पड़ेगा। अब हम कीटोन से एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, बिकॉज एल्कोहल इज अ लोअर कंपाउंड। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस देखो तो एल्कोहल इज अ लोअर कंपाउंड, सो व्हेन यू रिड्यूस द कीटोन यू विल गेट एल्कोहल। ठीक है, तो कीटोन के रिडक्शन पे एल्कोहल मिलता है। फाइन, नाउ फॉर द कीटोन्स के रिडक्शन पे वी कैन यूज एनी एन ए, वी कैन यूज एल आई एल एच फोर और वी कैन यूज एन ए बी एच फोर, बट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में एन ए बी एच फोर यूज नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, इट विल फॉर्म द एल्कोहल। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे एल्कोहल भी बनेगा, हाइड्रोक्सी टू। नाउ दिस इज द एल्कोहल। अब आपको एल्कोहल से एल्कीन बनाना है, आप सिंपली डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवा दीजिए। डिहाइड्रेशन कैसा होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीटेड। ठीक है, सो द वाटर मॉलिक्यूल विल गेट रिमूव्ड एंड यू विल गेट टू दिस एल्कीन। Now the second question says that you need to convert ethanol to 3-hydroxybutanol. ठीक है, तो ऐसे तो यू नो when unless and until you draw the structure you will not be able to understand कि करना क्या है उसमें। तो हमारा रिएक्टेंट हमें गिवन है इथेनॉल, इथेनॉल इज CH3 CH2OH एंड फॉर ए प्रोडक्ट इज ऑल्सो गिवन दैट इज 3-hydroxybutanol, मतलब एल्डिहाइड है और थर्ड पोजिशन पे यू आर हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप। दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब आप कंपेयर करो, सबसे पहले आप देखो कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या है। यू नो दिस इज हैविंग 2 कार्बन आइटम्स एंड दैट प्रोडक्ट इज हैविंग 4 कार्बन आइटम्स। ठीक है, मतलब जस्ट डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। और आप ये भी देखो कि ये जो है ये हमारा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना, और ये कब बनता है इस तरीके के जिसमें कि यू नो बीटा हाइड्रोक्सी। आप ये देखो ना, ये हमारा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये हमारा बीटा कार्बन है और ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है ये वाला। ठीक है, तो बेसिकली यू आर गिवन यू आर गेटिंग द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये कब बनता है, ये बनता है एल्डोल कंडेंसेशन में। एंड ऑल्सो दिस इज वन यू नो दिस इज वन टेक्निक यू कैन अंडरस्टैंड। ऑल्सो यू आर हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये चीज मैंने उस टाइम पे भी यू नो आई एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट कि वेन एवर यू आर डूइंग द सीरीज रिएक्शन एंड यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट विच इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सबसे पहली चीज आपको सोचनी है इट इज अबाउट द एल्डोल कंसंट्रेशन। ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम आप जैसे ही देखो एल्डोल कंसंट्रेशन के बारे में सोचो, और बिकॉज एल्डोल कंसंट्रेशन इज यू नो कैन बी कैरिड आउट ऑन एल्डिहाइड ओनली। ठीक है, एल्कोहल में थोड़ी होता है, तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट दिस एल्कोहल टू द एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। एल्कोहल को एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि यू हैव टू यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अगर इफ यू यूज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PMnO4 और P2Cr2O7 देन एल्कोहल से डायरेक्टली एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
और हमें वो नहीं चाहिए, वी नीड एल्डिहाइड, सो दैट इज व्हाई वी विल बी माइंड ऑक्सीडाइजिंग, वी विल गेट एल्डिहाइड ओवर हियर. नाउ एल्डिहाइड से यू कैन सी एल्डिहाइड में दो कार्बन आती है, एंड व्हेन यू विल डू द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन तब यहाँ पे होगा, एंड एल्डोल कंडेंसेशन इज ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्केली. ठीक है, कंसंट्रेटेड एल्केली में क्या होता है, कानिजारो, एंड दैट इज व्हाई यू डू नॉट हैव एनी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, एंड हियर यू आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे एल्डोल होगा. यू नो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन द गुड थिंग इज दैट आपको सब कुछ रिवाइज हो जाता है. ठीक है, दिस एल्डोल कंडेंसेशन एंड कानिजारो वी हैड कवर्ड सो मेनी लेक्चर्स बैक, बट स्टिल यू नो इट इज गेटिंग रिवाइज यूजिंग दीज क्वेश्चन. सो बिकॉज द एल्डिहाइड इज हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज वाई इट विल बी एल्डोल कंडेंसेशन. अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तब वी नीड टू यूज कानिजारो, और उसमें भी ये प्रोडक्ट नहीं बनता. ठीक है, ये प्रोडक्ट थोड़ी बनता है उसमें, यू विल गेट अल्कोहल एंड यू नो एसिड. ठीक है, सो दिस वॉज गुड क्वेश्चन, इसमें कि काफी कुछ कवर हो गए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन टू एम नाइट्रो असिटोफिनोन. ठीक है, तो क्योंकि हमारा रिएक्टेंट क्या है, बेंजीन, और द प्रोडक्ट इज एम नाइट्रो मतलब मेटा नाइट्रो असिटोफिनोन. असिटोफिनोन मैंने बताया था आपको कि फिनोन मतलब एक तरफ तो रिंग है, ठीक है, एक तरफ रिंग है, और असीटो मतलब यू आर हैविंग टू कार्बन एटम. तो यहाँ पे द यू नो द कंपाउंड वुड बी लाइक सी ओ थ्री. ठीक है, असीटो मतलब दो कार्बन एटम एंड विद वन रिंग, और मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज द प्रोडक्ट. नाउ व्हेन यू कंपेयर द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट एक्स्ट्रा में क्या है, सीओ सी एच थ्री टू. ठीक है, सीओ सी एच थ्री को जो बोलते हैं दैट इज द अकाइल ग्रुप. ठीक है, तो अगर हमें इस रिंग में सीओ सी एच थ्री को ऐड करवाना है तो वी नीड टू यूज सीरियल क्राफ्ट अकाइलेशन. ठीक है, दैट इज द ओनली टेक्निक. ठीक है, रिंग के केस में इफ यू नीड टू अटैच, इफ यू नीड टू ऐड इंट्रोड्यूस अकाइल ग्रुप, द ओनली वे इज फ्रीडल क्राफ्ट अकाइलेशन. ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अकाइलेशन होती है यू नो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एएलसीएल. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट क्या है, और क्योंकि हमें सी एच थ्री सी ओ ग्रुप ऐड करवाना है, इस वजह से यहाँ पे भी आप सी एच थ्री सी ओ लो और उसमें सी एल लगा दो, दैट्स इट. मतलब आपको यहाँ पे जो भी ग्रुप अटैच करवाना है बस आप वो ग्रुप लो और उसमें सी एल लगा दो. अगर आपको एल्काइल ग्रुप अटैच करवाना है, मान लो सी एच थ्री होता तो आप लोग क्या लेते, सी एच थ्री सी एल, दैट वुड बी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स बहुत इजी होती हैं, बट वंस यू गेट टू नो कि उनको यूज कहाँ पे करना है. ठीक है, तो ये अटैच हो गया, देन यू आर हैविंग नाइट्रो ग्रुप, तो दैट मीन्स कि आपको नाइट्रोजनेशन करवाना है, तो अभी आई टोल्ड यू यू यूज कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर. ठीक है, टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट. वन मोर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इज देयर, दैट इज ब्रोमोबेंजीन टू वन फिनाइल इथेनॉल. ठीक है, तो हमारा रिएक्टेंट है, सबसे पहले लिखो ब्रोमो बेंजीन एंड प्रोडक्ट इज वन फिनाइल इथेनॉल. तो बेसिकली इट्स एल्कोहल विद रिंग ओवर हियर. अब आप जब इसको कंपेयर करोगे तो यू विल सी कि मतलब ब्रोमीन को हटाना है पहले, नो यू नीड टू रिमूव द ब्रोमीन फर्स्ट एंड देन नो यू नीड टू ऐड द एल्कोहलिक ग्रुप. तो यहाँ पे यू नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू गेट दिस बिकॉज इट इज अ वेरी काइंड ऑफ, इट्स अ ट्रिकी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. जहाँ पे सबसे पहले देखो जो हमारा अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनसे जो बेस्ट चीज यू नो यू कैन फॉर्म इज ट्रिगोनल रिएक्शन. ठीक है, एंड ट्रिगोनल रिएक्शन इज वेरी हेल्पफुल, मतलब इट्स यू विल एटलीस्ट यू विल गेट टू टू थ्री क्वेश्चंस इन एवरी एग्जाम व्हिच आर बेस्ड ऑन ट्रिगोनल रिएक्शन. इट इज सच अ यूजफुल कंपाउंड. ठीक है, एंड दिस थिंग वी हैव ऑल्सो डन व्हाइल वी वर डूइंग द रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्डिहाइड. ठीक है, तो जब आप एल्डिहाइड को ग्रिगनार्ड रिएक्शन से रिएक्ट करवाते हो तो यू गेट एन अल्कोहल. ठीक है, ये उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था, बट ऐसे यहाँ पे यू नो दिखता नहीं है. तो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि इफ यू नो यू वांट टू प्रिपेयर अल्कोहल
विद अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट और विद एन अल्काइल हैलाइड। तो पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट आप बनाओ, फिर आप उसको एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाओ, एंड दैट एल्डिहाइड विल बी हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि यहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं, ठीक है, एंड देन हाइड्रोलिसिस। सो यू विल गेट दिस अल्कोहल, दिस इज वन फिनाइल इथेनॉल। सो देर आर सेवरल काइंड ऑफ क्वेश्चन इन विच यू नो सीरीज क्वेश्चन जिसमें कि यू नो दे विल टेस्ट नॉट ओनली वन टॉपिक, दे कैन टेस्ट मल्टीपल चैप्टर एट द सेम टाइम, क्योंकि सब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। सो माई सजेशन इज ऑलवेज कि आप हमेशा एक दूसरे से रिलेट करके चीजें पढ़ो, मतलब बस एक रिएक्शन को एक एज अ रिएक्शन यू डोंट हैव टू स्टडी, यू हैव टू रिलेट इट कि हाँ ये अल्काइल हैलाइड है एंड वो यू नो इट कैन बी प्रिपेयर यूजिंग विच ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, और इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर विच ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत ही यू नो वेरी स्मूथली यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू द यू नो कॉम्प्लिकेटेड सीरीज क्वेश्चन। तो आई ऑल्सो अगेन माई यू नो आई वुड लाइक टू रिपीट दिस थिंग दैट माई सजेशन इज ऑलवेज ट्राई टू रिपीट रिलेट द थिंग, ट्राई टू रिलेट ऑल ऑफ द लिंक ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ईच अदर टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली। So this was all for this chapter. So this was the last lecture of this aldehydes, ketones, and the carboxylic acids, and we finish it off. Thank you.